जो भी गुनाहगार होंगे वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव, आपको मालूम है ना कि आपके माँ पिता के शासनकाल में नौकरियों की बोली लगती थी और समाज के गरीब तबके के लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम बीपीएससी की परीक्षा पास कर जाएंगे, क्योंकि पूरा घाल मेल था। लेकिन दौर बदले हैं, यह घटना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और समय सीमा के तहत इसका उद्भेदन होगा और छात्र छात्राओं की हर परेशानी सरकार के लिए चिंता का सबब है। 17 वर्षों के शासनकाल में पीपीएससी की का जो प्रश्न पत्र है वह लीक होना, वह निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और छात्रों की मेधा और परिश्रम, उस पर जिसने भी पलीता लगाने का प्रयास किया है, जो ही हम जानकारी मिली तुरंत इस संबंध में प्रशासनिक दायित्व एडीजी स्तर के पदाधिकारी को दिया गया है। जो भी गुनाहगार होंगे वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। और बिहार लोक सेवा आयोग, इसमें समाज के विभिन्न तबके के लोग बिना कोई रिश्वत दिए पारदर्शिता के आधार पर समाज के विभिन्न तबके के छात्र छात्राएं आज प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो रहे हैं। तेजस्वी यादव, आपको मालूम है ना कि आपके माँ पिता के शासनकाल में नौकरियों की बोली लगती थी और समाज के गरीब तबके के लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम बीपीएससी की परीक्षा पास कर जाएंगे, क्योंकि पूरा घाल मेल था। लेकिन दौर बदले हैं, यह घटना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और समय सीमा के तहत इसका उद्भेदन होगा और छात्र छात्राओं की हर परेशानी सरकार के लिए चिंता का सबब है। जो भी गुनाहगार होंगे वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव, आपको मालूम है ना कि आपके माँ पिता के शासनकाल में नौकरियों की बोली लगती थी और समाज के गरीब तबके के लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम बीपीएससी की परीक्षा पास कर जाएंगे, क्योंकि पूरा घाल मेल था। लेकिन दौर बदले हैं, यह घटना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और समय सीमा के तहत इसका उद्भेदन होगा और छात्र छात्राओं की हर परेशानी सरकार के लिए चिंता का सबब है। तेजस्वी यादव, आपको मालूम है ना कि आपके माँ पिता के शासनकाल में नौकरियों की बोली लगती थी और समाज के गरीब तबके के लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम बीपीएससी की परीक्षा पास कर जाएंगे, क्योंकि पूरा घाल मेल था। लेकिन दौर बदले हैं, यह घटना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और समय सीमा के तहत इसका उद्भेदन होगा और छात्र छात्राओं की हर परेशानी सरकार के लिए चिंता का सबब है।